माँ गायत्री से जुड़े गायत्री मंत्र के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हम बचपन से ही गायत्री मंत्र का गान किसी ना किसी मौके पर करते आ रहे हैं। जी हाँ, गायत्री मंत्र को बेहद ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। ये कई प्रकार की समस्याओं का नाश करने में सक्षम होते हैं। बता दें आपको, गायत्री माता का जिक्र हमने कई वेदों और पुराणों में भी सुनने को देखा है, सुना काफी बार है। बता दें आपको, माँ गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी भी बताया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर यज्ञ कर रहे थे। इसमें उन्होंने माँ सरस्वती को आमंत्रित किया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से माँ सरस्वती यज्ञ में उपस्थित नहीं हो सकी। अब ये सभी जानते हैं कि यज्ञ में स्त्री और पुरुष जोड़े के साथ ही सम्मिलित होते हैं। ऐसे में ब्रह्मा जी ने माँ गायत्री से विवाह कर उनके साथ यज्ञ को सम्पन्न किया था। आज हम आपको गायत्री माँ के एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ स्थापित माँ गायत्री की मूर्ति काफी ज्यादा विचित्र है। जी हाँ, दरअसल ये मंदिर मध्य प्रदेश के हाट पिपलया कस्बे में स्थित है। इस मंदिर का नरसिंह मंदिर है, क्योंकि ये भगवान नरसिंह को समर्पित है। इसके साथ ही इस मंदिर में माँ गायत्री की एक मूर्ति भी स्थापित है। जी हाँ, बता दें आपको, यहाँ स्थापित माँ गायत्री की मूर्ति के तीन पैर हैं, इसी वजह से इन्हें त्रिपदा गायत्री भी कहा जाता है। परंतु ये वाकई में हैरान की बात है, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में तीन बाहों और चार सर वाली देवी देवताओं के अवतार का जिक्र है, लेकिन तीन पैर वाली मूर्तियों का कहीं भी जिक्र नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा भी पानी में नदी के बहाव की उल्टी दिशा में तैरती है, जो एक चमत्कार से कम नहीं है, आपको बता दें। जबकि इस पाषाण प्रतिमा का वजन भी 8 किलो के बराबर बताया जाता है, लेकिन फिर भी ये भारी भरकम नरसिंह भगवान की प्रतिमा यानी कि पत्थर पानी के ऊपर सतह पर तैरता रहता है। जी हाँ, प्रतिवर्ष डोल 11 के दिन इस मूर्ति को पानी में तैराया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ स्थित माँ गायत्री और भगवान नरसिंह की मूर्ति सदियों पुरानी है। जी हाँ, तो किस तरीके से और किस वजह से ये पत्थर 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन पानी की सतह पर तैरता रहता है, इससे जुड़ा रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक रहस्यमयी चमत्कारी मंदिर बना हुआ है, जहां लाखों श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जिसको भी ये पाषाण दिख जाता है, उसकी हर मनोकामना काफी जल्दी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट टू 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।